बसमिल इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट रैम एंड रोम सो फर्स्ट ऑफ आल हाउ सी सम इंट्रोडक्शन ऑफ रैम मेमरी इज़ रिक्वायर्ड इन कंप्यूटर टू स्टोर डाटा इंस्ट्रक्शन तो कम्प्यूटर में सबसे पहले चीज़ जो डाटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए मेमरी चाहिए मेमरी एक फिजिकली ऑर्गेनाइज लार्ज नंबर ऑफ सेल्स डेट आर कैपेबल ऑफ स्टोरिंग वन पीट ईच क्या होता है कि मेमोरी एक फ़िज़िकली ऑर्गेनाइज होती है और जो लार्ज जो है ना वो नंबर ऑफ़ सेल्स को अपने अंदर कैपेबल उसके अंदर कैपेसिटी होती है जैसे कि फाइव हंड्रेड जी या फाइव ट्वेल्व जी बी इस तरह जो है ना वो कहते हैं कि वो स्टोरिंग बिट की शेप में स्टोर करती है फिर वो कहता है लॉजिकली दे आर ऑर्गेनाइज एज अ ग्रुप ऑफ़ बिट्स दैट आर असाइंड एन एड्रेस तो क्या होता है कि वो अगर लॉजिक दिया जाए उसके पीछे मेमोरी के पीछे तो वो क्या है कि वो एक ग्रुप ऑफ़ बिट्स होता है जो एक एड्रेस के साथ जो ना है ना असाइन किए जाते हैं डेटे और डेटा और जो इंस्ट्रक्शन होता है वो असेस्ड किया जाता है थ्रू मेमोरी एड्रेस तो उस मेमोरी के एड्रेस के थ्रू डेटा और इंस्ट्रक्शन को अस किया जाता है स्पीड विद विच दीज मेमोरी एड्रेस कैन बी असेस्ड डिटर्मेंट द कॉस्ट ऑफ द मेमोरी तो मेमोरी की कॉस्ट पर डिपेंड करता है कि उसकी स्पीड कितनी है जैसे आजकल आ रही है एस एस डी ठीक है वो काफ़ी महंगी है एज कम्पेयर टू एच हार्ड डिस्क जो होती थी पहले ठीक है उसके मुकाबले में फास्टर द स्पीड मेमरी हायर द प्राइस प्राइस तो जितनी मेमरी स्पीड वाली होगी उतनी ज़्यादा हायर प्राइस जितनी अच्छी जी नहीं होगी उतनी उसकी प्राइस भी हायर होगी अब कंप्यूटर मेमोरी जो है ना वो सेट uh, की जाती है कि क्या कहा जा सकता है उसके बारे में कि ऑर्गनाइज़ इन खराखरी कर वे वेयर वे वे मेमोरी विद द फास्टेस्ट एक्सेस फौर स्पीड एंड हाईएस्ट कॉस्ट लाइज एट द टॉप वेयर दोज विद लोएस्ट स्पीड एंड लोएस्ट कॉस्ट लाई एट द बॉटम तो क्या होता है कि ऊपर से वो कह रहा है कि जो सबसे महंगी है वो ऊपर होगी उसकी प्राइस भी ज़्यादा होगी जो अच्छी है उससे लिहाज से जो है ना स्पीड भी जिसकी स्लो है वो नीचे होगी तो बेस्ड ऑन क्राइटेरिया मेमोरी को दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी टू टाइप्स है हैं जी प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑल दो कैच यू कंसिडर एज मेमोरी इट इज़ एन इंटरमीडिएट मेमोरी सो इट डजन ग्रुप एज अ मेन टाइप ऑफ मेमोरी तो ये जो कैची होती है ना ये हमने मोस्ट देखा होगा फ़ोन में भी मोस्टली होता है कि आप फॉर एग्जांपल किसी ऐप की इन्फो वगैरह निकालते हैं तो उसमें कैच या फिर जो है ना वो फोल्डर जो होते हैं उनमें कैच ही होती है ठीक है तो ये फिर जो है ना कहता है ये भी एक मेमोरी की शेप है लेकिन इसको हम कंसिडर नहीं करते अब प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होती है इज़ अ कंप्यूटर मेमोरी दैट ए प्रोसेसर आर कंप्यूटर एक्सेस फास्ट या डायरेक्टली तो वो मेमोरी यानी फास्ट नंबर प्राइमरी का मतलब होता है फास्ट तो जो फास्ट पे आती है यानी पहले जिसको एक्सेस किया जाता है फिर दूसरा है कि ये अलाउ करती है प्रोसेसर को ताकि रनिंग एक्सीक्यूजन एक्सिक्यूज एप्लीकेशंस एंड सर्विसज दैट आर टेम्प्रेली स्टॉल्ड इन स्पेसिफिक मेमरी लोकेशन जो चीज़ें एक मेमरी में लोकेट की जाती है स्टोर की हुई जाती हैं उनकी जो एक्जीक्यूशन होती है वो एप्लीकेशन वो एक प्राइमरी मेमरी के थ्रू होती है तो प्राइमरी मेमरी के अब क्या हो गया सबसे पहले तो इसी में चीज़ जो है ना कंप्यूटर डायरेक्टली प्रोसेसर इसी में होता है दूसरा जो भी चीज़ स्टोर होती है वो पहले इसमें ओपन होती है तीसरी ये है कि जी इसको नॉन किया जाता है आल्सो मेन मेमोरी या फिर प्राइमरी मेमोरी प्राइमरी स्टोरेज इसका जो दूसरा नाम है वो प्राइमरी मेमरी या फिर प्राइमरी स्टोरेज है थर्ड नंबर उसके बाद फोर्थ नंबर है जी प्राइमरी मेमरी कंसडर फास्टर दैन सेकेंडरी तो प्राइमरी फास्ट होती है एज कंपेयर टू सेकेंडरी मेमरी तो ये चार चीजें प्राइमरी के बारे में थी नेक्स्ट है जी एज सुन एज कंप्यूटर स्टार्ट प्राइमरी मेमोरी लोड्स ऑल यूज, रनिंग एप्लीकेशन इंक्लूडिंग द बेस ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडो वगैरह जूज़ इंटरफेस एंड यूज़ यूज़र इंस्टॉल एंड रनिंग सॉफ्टवेयर यूटिलिटी तो ये सारी चीज़ें जैसे हम एक कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो उसके साथ साथ वो जो है ना या लैपटॉप को ऑन करते हैं तो साथ साथ सारी चीज़ें लोड हो जाती हैं स्टार्टिंग में हमें नज़र आता है डेस्कटॉप वगैरह जो चीज़ें हैं और उसका विंडो वगैरह ओपन हो जाती है ये सारी चीज़ें वो कहता है प्राइमरी मेमोरी में लोड होती हैं ए प्रोग्राम एप्लीकेशन दैट इज़ ओपन प्राइमरीली इन प्राइमरी मेमोरी इंटरेक्ट विद द सिस्टम प्रोसेसर टू परफॉर्म ऑल एप्लीकेशन स्पेसिफिक टास्क तो हम कोई भी जो प्रोग्राम या कोई भी जो एप्लीकेशन है आप ओपन करते हैं जैसे वर्ड है या फिर कोई भी लैपटॉप वगैरह में वो सबसे पहले जो है ना प्राइमरी में स्पेसिफिक टास्क देने के लिए वो प्राइमरी मेमरी में ओपन होता है अब प्राइमरी मेमरी के टू टाइप्स हैं रैम एंड रोम जो हमारा मेन टॉपिक है तो सबसे पहले इस तरह ये कंप्यूटर में इस तरह की चिप्स लगी होती है ठीक है रैम क्या होती है जी अल्टरनेटिव रेफर टू एज मैन मेमरी अब इसके लिए जो बाकी नेम यूज़ होते हैं या वर्ड वो है मैन मेमरी है या प्राइमरी मेमरी है सिस्टम मेमरी भी इसको कहते हैं रेंडम एक्सेस मेमरी इसकी फुल फॉर्म है ठीक है रैम की आज से रैंडम ए से एक्सेस और एम से मेमरी के रेंडम एक्सेस मेमरी इज़ ए हार्डवेयर डिवाइस दैट अलाउ इन्फॉर्मेशन टू बी स्टोर्ड एंड रीट्राइव्ड ऑन ए कम्प्यूटर तो ऐसी इन्फॉमेसन जो कम्प्यूटर में स्टोर भी की जाती है और उसको दोबारा आप रिट्राइव भी कर सकते हैं जब चाहे ओपन हो सकती है ठीक है रैम इज़ यूजली एसोसिएटेड विद डी आर एम विच इज़ ए टाइप ऑफ मेमरी मॉड्यूल तो इसको मोस्टली जो ना कहते हैं एसोसिएट किया जाता है कि ये डी आर एम है जो डी रैम है जो जो है ना टाइप ऑफ मेमरी मॉड्यूल है बिकॉज इंफॉर्मेशन इज़ एक्सेस्सड रेंडमली इंस्टेड ऑफ़ सबसिक्वेंटली लाइक इट इज़ ऑन अ सी डी और हार्ड ड्राइव द कंप्यूटर कैन एक्सेस द डाटा मच फास्टर तो क्योंकि इसमें रैडमली रेंडमली एक्सेस होती है इसलिए जो है ना वो डाटा बहुत जल्दी मच फास्टर जो है ना इसमें ऑपरेट होता है जो रैम होती है इसमें करैक्टरिस्टिक्स क्या है जी रैम की देर uh, आर सेमी कंडक्टर मेमरीज सेमी कंडक्टर मेमरीज़ हैं यानी सेमी कंडक्टर हैं इनमें जो है ना वो एक होते हैं कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह को कंडक्ट करते हैं दूसरे होते हैं नॉन कंडक्टर और ये सेमी कंडक्टर हैं ठीक है इट इज़ नॉन एज द मेन मेमोरी मेन मेमोरी भी इसको कहा जाता है बोला टाइल मेमरी है बहुत जल्दी जो है ना ये एक्ट करती है बहुत जल्दी फंक्शन करती है डेटा इज लॉस्ट इन केस ऑफ पावर इज़ स्विच ऑफ तो इसके केस में क्या होता है कि ज़र सी बात है जो रैम में आप रैम अगर आप रैम में चीज़ें ऑपरेट करते हैं तो वो उसमें अगर कोई रूम नहीं है तो फिर वो चीज़ें आप स्विच ऑफ होगा लैपटॉप या कंप्यूटर तो उसमें स्टोर नहीं होंगी इट इज़ वर्किंग मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर ये वर्किंग मेमोरी होती है जो प्रॉपर वर्क करती है फास्टर देन सेकेंडरी बहुत फास्ट होती है ए कंप्यूटर के ना रन विदाउट द प्राइमरी मेमोरी तो कंप्यूटर इसके बगैर रन कर ही नहीं सकता जब तक तो उसकी रैम नहीं है तो रैम बहुत ज़रूरी है तो ये थी करैक्ट्रिस्टिक्स रैम की पहले रैम है क्या रैंडम एक्सेस मेमोरी है फर्स्ट मेमोरी भी इसको कहा जाता है फर्स्ट इसमें जो है ये प्र, तमाम प्रोग्राम वगैरह इसी में परफॉर्म किए जाते हैं फिर इसकी कुछ करैक्ट्रिस्टिक्स हमने पढ़ी कि मेन मेमोरी है वोलाटाइल मेमोरी है अगर इसमें कोई डाटा वगैरह स्टोर नहीं होता वर्किंग करती है मेमोरी फास्टर होती है ठीक है अब यह एज़ द कंप्यूटर बूट्स बूट्स पार्ट्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ड्राइवर्स आर लोडेड इनटू मेमोरी मेमरी विच अलोज द सीपीयू टू प्रोसेस द इंस्ट्रक्शन फास्टर एंड स्पीड ऑफ द बूस्ट प्रोसेस बूट प्रोसेस तो हम जब कंप्यूटर वगैरह को बूट करते हैं तो ये मेमोरी ऑपरेट करती है वो सारे ड्राइवर वगैरह इसी में लोड होते हैं जो रैम है ठीक है और ये फिर इंस्ट्रक्शन देती है ताकि फास्टर ऑपरेटिंग हो तो आफ्टर द ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ लोडेड ईच प्रोग्राम यू ओपन सच एज़ ब्रोज यू आर यूजिंग टू वी यो दिस पेज इज़ लोडेड इन टू मेमरी इट इज़ रनिंग तो ये सारी जब मेमरी अब होती हैं जब हम लोड करने के बाद उसमें चीज़ें वगैरह ओपन करते हैं इंस्टॉल करते हैं जो ब्रोज वगैरह ओपन करते हैं वो सारे प्राइमरी मेमरी होते हैं इफ़ टू मैनी प्रोग्राम्स आर ओपन द कंप्यूटर विल स्वम द डाटा इन द मेमरी बिटवीन द रैम एंड द हार्ड डिस्क ड्राइव तो वो क्या कहता है कि अगर वो हम ज़्यादा प्रोग्राम ओपन करेंगे तो वो फिर इसके दरमियान जो है ना वो स्वम uh, हो जाता है डेटा रैम और हार्ड डिस्क के दरमियान ठीक है रैम जो है ना इसको अब जो न्यू आ गई है टूडे सॉलिड स्टेट मेमोरी है जिसको एस एस डी भी कहते हैं ठीक है कि ये आप मोस्टली कहते हैं फास्ट्रैज इन्वेंटेड इन नाइनटीन सिक्सटी एट बाई रॉबर्ट डेनर रॉबर्ट डेनर ने इसको जो है ना वो इन्वेंट किया था नॉन स्पेसिफिक एज डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमरी जिसको डी आर एम कहा जाता है ट्रांजिस्टर वार यूज टू स्टोर बिट्स ऑफ डाटा इसमें ट्रांजिस्टर को यूज किया जाता है डेटा को बिट्स का स्टोर करने के लिए बिट्स की शेप में अब देर आर टू मेन कैटेगरीज ऑफ़ रैम रैम की दो कैटेगरी हैं डी आर एम एंड एस आर एम जो 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 डी आर एम ए वो है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी में अब क्या होता है कि इस टाइप ऑफ रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी दैट स्टोर्स ईच बिट ऑफ डाटा इन ए सेपरेट कैपेसिटर विद एन इंटीग्रेटेड सर्किट तो एक सर्किट के साथ जो है वो सेपरेट कैपेसिटर में ही उस एनर्जी को स्टोर करती है डाटा को स्टोर करती है जबकि जो दो कैपेसिटर है कैन बी इधर चार्ज और डिस्चार्ज जो कैपेसिटर है उसके वो चार्ज भी उसके डिस्चार्ज भी उसके हैं दीज टू तो स्टेट्स आर टेकन टू तो रिप्रेजेंट द टू वॉल्स ऑफ बिट कन्वेंशन कॉल्ड जीरो एंड वन वाह जो है उनको वाल दो वाल होते हैं इसके जो डी आर एम है अब जो साथ इसके दूसरे एस आर एम जिसको हमने स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमरी वो डायनामिक थी ये स्टैटिक है स्टैटिक का मतलब होता है खड़े जो एक ही जगह रुकती है ठीक है और डायनामिक होती है जो चलती रहती है अब जो है ना जो चेंज होती रहती है एस आर एम इज़ ए टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर मेमरी दैट दैट बाइस टेबल लैचिंग सर्कुलेटरी फ्लॉप है टू स्टोर ईच बिट फिर ये कहता है कि जो आर डेटा डाटा रिमेनस बट इट स्टिल वाला ये भी वाला है कन्वेंशनल सेंस में अगर देखा जाए तो डाटा जो इवेंशनली लास्ट हो जाती है जब ये पावर ऑफ हो जाती है जो स्टैटिक है फिर टाइम स्टैटिक जो है ना वो डिफरेंट है फ्राम डिफ्रीशियट करती है एस आर एम फ्राम डी आर एम को एस आर एम जो है ना वो फास्टर मोर एक्सपेंसिव है दैन डी आर एम ये जो है ना सी पी शीज़ फॉर सी पी शीज़ कैच वाइल डी आर एम इज़ यूज फॉर कंप्यूटर मेन मेमरी वो मैन मेमरी के लिए यूज़ की जाती है ये सी पी है सी पी यू के लिए यूज़ की जाती है एस डी आर एम को शॉर्ट फॉर जो है ना सिंगल्स डेटा रैम या फिर जो है ना सिंक्रंस डी आर एम इज़ ए टाइप ऑफ मेमरी दैट सनक्राइजिंग इट सेल्फ कंप्यूटर सिस्टम को के साथ जो है वो खुद को सेंक्राइज़ करती रहती है ये रन करती है हाई स्पीड के साथ और इसमें से भी सपोर्ट करती है वन थर्टी और सिंस नाइनटीन थर्टी थ्री वो कहते हैं नाइनटीन नाइनटी थ्री ये, ये प्री विलियन टाइप ऑफ मेमोरी है जो कंप्यूटर में यूज़ की जा रही है जो एस टी आर एम है ये अब एस टी आर एम की एक पिक्चर आ गई है जी पाँच सौ बारह एम पी वाले की तो नाइनटीन नाइनटी थ्री के बाद वो कह रहे हैं यूज़ की जा रही है और ये एक दरमियान एस टी आर की पिक्चर है वन ऑफ़ द फर्स्ट आर्किटेक्चर ताकि सपोर्ट करे जो सिंक्रस मेमोरी को सिंगल डाटा रेट है इसमें फिर जो है ना ये एस टी एम आर जो है ना वो वो मेमरी स्टैंडर्ड इंक्लूडेड पी सी हंड्रेड और पी सी वन थर्टी थ्री विच रैन ऑन क्लाक स्पीड तो ये कुछ बेसिक था आपने बेसिकली रैम का याद रखना है और फिर हम जो है ना उसके रैम और रूम में क्योंकि हम डिफ्रेंस करेंगे तो अब जो है ना नेक्स्ट हम करते हैं रूम अच्छा जी रैम की हमने फिर दो टाइप्स भी पढ़ लेंगे चले एस टी आर एम और डी 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 आर डी एम तो डी आर एम अब हम पढ़ते हैं जी रोम रोम को जो फुल फॉर्म है वो है रीड ओनली मेमरी के रैम जो है ना वो स्टैंड करती है रीड नॉन वाला टाइप ऑफ मेमोरी या विच इज़ फाउंड इन कंप्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस तमाम डिवाइसेस में जो है ना रोम तो पाई जाती है फ़ोन में है या लैपटॉप है परमानेंट स्टोर है चीज़ों को स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है जैसे हम फोन में जो है ना रैम में स्टोर करते रूम में स्टोर करते हैं इस मेमोरी को जो है ना मॉडिफाई नहीं किया जाता बट इट कैन बी रीड एंड देर फॉर इट इज़ नोन एट द रीड ओनली मेमोरी क्योंकि इसको सिर्फ हम रीड कर सकते हैं मॉडिफाई नहीं कर सकते तो इसलिए इसका नाम रीड मेमोरी है ये कीप द बूट स्टेप प्रोग्राम विच रन ऑन इट्स ऑन वेन सिस्टम इज़ टर्न ऑन आर री सेट एवरी टाइम तो सिस्टम को जब भी आप टर्न ऑफ भी कर दें तो ये इसमें स्टोर रहेगा सम कॉमन टाइप ऑफ जो रैम है उनमें पी रूम है ई पी रोम है और ई पी रोम है अब जो पी रोम है ये स्टैंड करता जी प्रोग्राम आ, ए, प्रोग्राम एबल रीड ओनली मेमोरी जो पी से जानी प्रोग्राम एबल बाकी वही है रीड ओनली मेमोरी तो ये डेवलप हो सेंटीज में टेक्स इंस्ट्रूमेंट के साथ फिर न, मेड किया गया जो ये एज अ ब्लैंक मेमोरी थी यानी खाली होती है इसमें हम जो है ना चीज़ों को खुद खुद जो है ना वो स्टोर करते हैं फिर जो पी रोम प्रोग्रामर जो है ना या पी रोम बर्नर जो है ना रिक्वायर्ड होता है इसके लिए ताकि चिप के लिए और डाटा इसमें जो है ना मॉडिफाई नहीं कर सकते आप इसलिए इसको नाम दिया जाता है टाइम प्रोग्रामेबल डिवाइस नेक्स्ट है ई जो स्टैंड करती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम इसमें क्या कहते हैं अनलाइक उसकी तरह इसमें जो है ना रिटर्न भी किया जाता है ऑन इट मोर देन वंस दिस कम एज अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम फेस्ड बाय प्रो रोम तो पी रोम से जो प्रॉब्लम आती है वो उसको स्टोर कर दें तो ये बेसिकली हमने ये देख ही लेते हैं चलें दिस कम्स एज द सोलूशन टू द प्रॉब्लम फेस्ड बाई प्रो पी रोम तो ये तब आती है जब पी रोम में जो है ना कोई प्रॉब्लम आती है तो इसमें जो मेमरी की बिट होती है वो बैक टू वन विन अल्ट्रा वायल रेज ऑफ सम्पेसिफिको चिप्स गला फ्यूज कैन बी रिटर्न ऑन द मेमरी तो न्यू थिंग बेसिकली आपने देखना क्या है रैम क्या है रैम की फिर आगे जो है वो टाइप्स हैं डी रैम है और जो है वो एस रूम है यानी डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमरी और स्टेटिक इसी तरह रूम है रीड ऑनली मेमरी इसके आगे जो टाइप्स हैं उनमें आप पी रोम है ठीक है प्रोग्राम फिर इरेजेबल और देन जो है ना ई ई जो जिसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिसिटी इरेजेबल इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ऑनली मेवरी तो ये दैट्स ऑल इन दिस वीडियो लाइक द वीडियो सब्सक्राइब चैनल थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशन अकैडमल